बात अब बाट माप निरीक्षकों की। मुरादाबाद मंडल आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे मापतोल बाट माप चेकिंग अभियान के तहत यहां क्रॉस चेकिंग करने आए बिजनौर रामपुर के बाट माप निरीक्षकों ने पहले यहां एक पेट्रोल पंप पर चेकिंग की, बाद में सर्राफा बाजार पहुंचे बाट माप निरीक्षकों को उस वक्त कपड़े छुड़ाने भारी पड़ गए जब उनको चेकिंग के दौरान सर्राफा कमेटियों ने घेर लिया और उनको रिश्वत के 2,000 रुपए वापस लौटाने पड़े। सर्राफा बाजार में बाट माप की चेकिंग को काका ज्वेलर्स पर जब निरीक्षक पहुंचे तो उनको सब ठीक मिला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सर्राफा व्यापारियों का आर्थिक शोषण करने के लिए सर्राफा को हड़का कर 2,000 रुपए ऐंठ लिए। जैसे ही इसकी खबर सर्राफा व्यापारियों को लगी तभी सर्राफा कमेटी और सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने निरीक्षकों द्वारा रिश्वत मांगने पर अफसोस जताया। बाद में बाट माप निरीक्षकों को सर्राफा से लिए 2,000 रुपए वापस लौटाने पड़े। देखते ही देखते बाजार में व्यापारी इकट्ठा हो गए। बाद में बाट माप निरीक्षकों ने काका ज्वेलर्स की दुकान पर सब कुछ ठीक ठाक मिलने की बात कही। उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर आज अमरोहा में सर्राफा व्यापारियों, बाबन वस्तुओं और मिठाई दुकानों की जांच की गई, जिसमें इस सर्राफा बाजार में दुकान पर जांच करने पर दुकान पर सब कुछ सही मिला। एक मशीन पुरानी मोर की थी और जिसके लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि वो भी मशीन का सत्यापन करा दें। सर्राफे की दुकानों पर निरीक्षण किया, 2,000 रुपये इन लोगों ने हमसे मांगे जिस पे हमने मना करी, उसके बाद हमारे कांटे बाट सब बिल्कुल सही थे, इनसे लिखवा के हमने ले लिया गया है। बाजार के अंदर कुछ मापदंड बताने वाले दुकान पर एक पर चेकिंग किया और जबकि वह कार्ड बाट और उसके सारे कागजात पूरे थे, मैं सर्राफा कमेटी के संरक्षक होने नाते उनसे मिला और उन्होंने अपनी गलती महसूस की और उस व्यापारी के कांटे और वो सही कर दिए और उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया और उसके बाद पत्रकार सभी इकट्ठे हुए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बाहर के कुछ लोग थे जो दुकान पे चेक करने आए और हमारे छोटे भाई अनिल को परेशान कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम कांटा माप चेक करने आए हैं। कांटा माप उन्होंने हमारे यहाँ पूरा चेक करा, सब कुछ सही पाया, जो उन्होंने कागज़ मांगे दुकानदार ने उनको दिए, उसके बाद वो सही रिपोर्ट हमारी लिखे चले। सर्राफा बाजार में कुछ व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए और कुछ व्यापारियों से जो है यहाँ पर सर्राफा बाजार में कांटे बाट की अधिकारी आए और उन्होंने जो है अपने आप को रामपुर और नजीबाबाद का बताते हुए एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में गए और उनसे जो है कांटा के कागजात मांगे, कागजात दिखाने पर कागजात प्रमाण पत्र सही थे, उसके बाद भी अनाधिकृत रूप से वो उन्हें परेशान करने और निगेटिव रिपोर्ट लगाने के लिए प्रेशर दबाव बनाने लगे, तो इस पर सारा व्यापारी और सारा बाजार बंद हो गया और सारे व्यापारी इकट्ठा हो गए और उनसे काफ़ी नोकझोंक होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट को सही लगाया।